हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, राइट? वेलकम टू द चैनल ऑफ अन अकेडमी। इफ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम्स, क्रैक योर स्कूल एग्जाम्स, देन जल्दी से ज्वाइन करें अन अकेडमी। अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लें और फ्लैट 10% ऑफ बाय यूजिंग माय कोड NB01। वेलकम टू माय क्लास। मेरा नाम है नेहा बंसल। मैंने BSc, BEd, NTD एंड PTT ये सब किया हुआ है। आई हैव 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑफलाइन टीचिंग। आप जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? फूड तो आप सब जानते हैं ना बेटा कि खाना क्या होता है। खाना मतलब जो हमें एनर्जी देता है। खाना हम अपने पेट भरने के लिए खाते हैं। स्टमक फुल हो जाता है तो एनर्जी भी मिलती है। खाने के बहुत सारे तरह तरह का खाना होता है, जैसे डोनट्स। डोनट्स आप सब बच्चों को भी पसंद होते हैं। मैकडीज का बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक, या जहाँ पे भी जिस भी ब्रांड में मिलता है, ज़रूरी नहीं है मैकडीज का ही, और भी जगह होता है, तो वो भी आप सब बच्चों को बहुत पसंद आता है। मिल्क, दूध, ये तो आपको ज़रूर पीना चाहिए। आप जैसे ग्रोइंग एज वाले बच्चों को तो दूध ज़रूर पीना चाहिए। बर्गर, वेज एंड नॉन वेज फूड। फूड वेराइटी, इस चैप्टर में आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हम जानते हैं। जैसे फूड वेराइटी, इंग्रीडियंट्स ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ये सब टॉपिक्स आज हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। फूड वेराइटी, बेटा फूड वेराइटी क्या होती है? खाना तो होता है, फूड तो आपको पता चल गया, बट फूड बहुत तरह का होता है। तरह तरह की वेराइटीज होती हैं। जैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। जैसे कहीं पे कोई चीज़ फेमस होती है, कहीं पे कोई चीज़ फेमस होती है। किसी स्टेट में एक स्पेशलिटी होती है कि इसी तरीके का खाना बनता है। कुछ स्टेट्स में एक स्पेशलिटी होती है कि इसी तरीके का खाना बनता है। तो इंडिया बहुत बड़ा है और उतने ही तरह तरह के इंडिया में लोग होते हैं, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ इंडिया में आप सबको पता है डोसा, इडली, सांभर, वड़ा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। नॉर्थ इंडिया में पूरी, सब्जी, दाल, छाछ, दही, ये सब नॉर्थ इंडिया की स्पेशलिटीज़ हैं। ढोकला इज फेमस इन गुजरात। तो इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं बेटा? इंग्रेडिएंट्स का मतलब जो हम खाने में जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं। खाने का मतलब ये तो है नहीं बेटा कि हमने वेजी तोड़ी और खाना बन गया, डिश प्रिपेयर हो गई। नहीं, डिश प्रिपेयर करने के लिए आपकी मम्मी जैसे आपके लिए खाना बनाती है, तो उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डालनी पड़ती हैं, तब जाके एक अच्छी डिश प्रिपेयर हो पाती है। तो वो जो चीज़ें, जो सामान होता है जो हम एक खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। जैसे सॉल्ट, सॉल्ट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, क्योंकि नमक के बिना जो हमारा डिश है वो टेस्टलेस है। स्पाइसेस, मसाले, मसाले हमारे डिश को और ज़्यादा टेस्ट देते हैं और ज़्यादा टेस्ट बढ़ाते हैं। ऑयल, ऑयल ऑब्वियसली कोई भी वेजी, कोई भी डिश प्रिपेयर करने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है। वेजिटेबल्स, राइस एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें एक डिश प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होती हैं। सोर्सेज ऑफ फूड, अब हमने ये तो देखा कि फूड क्या है, ठीक है, अब वो आता कहाँ से है। सोर्सेज का मतलब वो हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है, उसका मतलब होता है सोर्सेज। तो अब जानते हैं प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, ग्रेन्स एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें प्लांट से अवेलेबल होती है एज अ फूड। एनिमल्स से हमें फूड किस तरह से ऑब्टेन होता है, मिल्क, एग, मीट, फिश एट्सेट्रा, राइट। अब अर्थ, बेटा अर्थ से हमें क्या मिलता है? अर्थ से एक बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट अर्थ हमें देती है, बहुत ही एसेंशियल फूड हमें देती है, या आप कहें बहुत ही एक ज़रूरी पार्ट है हमारी लाइफ का जो हमें अर्थ से मिलता है, वो है पानी, वाटर। वाटर जो है सिर्फ अर्थ पर ही अवेलेबल है, एंड विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। तो वाटर जो है वो बहुत ही ज़रूरी पार्ट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए, राइट। तो अर्थ से हमें क्या मिलता है? बिकॉज आपको पता है कि अर्थ पे पानी ही पानी है, तो अर्थ से हमें क्या मिलता है? वाटर। और उस वाटर से हमें क्या मिलता है? सॉल्ट।
क्योंकि जो ओशियन एंड सी वाटर होता है उनमें क्या होता है, सॉल्टी वाटर होते हैं, वो नमक मिला हुआ होता है. ऐसे नहीं कि किसी ने नमक मिला दिया उसमें, वो नेचुरली ही वो वाटर जो है वो सॉल्टी होता है. तो एक प्रोसेस के थ्रू वो सॉल्ट सारा निकाल के पैकेट्स बना के, जो हमारे घर में पैकेट्स आते हैं ना सॉल्ट के, ऐसे अवेलेबल कराया जाता है. प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड. अब प्लांट कैसे सोर्स है फूड का, वो अब हम जानते हैं. वी यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज आवर फूड. हम प्लांट के अलग अलग पार्ट को यूज करते हैं अपने खाने के लिए. ऐसे नहीं है जैसे प्लांट है तो उसको हमने उसकी लीफ तोड़ी और लीफ खा ली, स्टेम तोड़ी, स्टेम, ऐसे नहीं बेटा. उसका हम कौन कौन से पार्ट्स यूज करते हैं वो मैं अभी आगे हम जानेंगे इसमें. दिस इज अ डायग्राम ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट. ठीक है बच्चे, जैसे ग्राउंड लेवल है, जमीन जिसे हम कहते हैं सॉइल, ठीक है, इसके नीचे प्लांट का पार्ट होता है एक, और इसके ऊपर होता है. ऊपर वाला हमें विजिबल होता है, नीचे वाला हमें विजिबल नहीं होता है. तो जो नीचे होता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम, और जो ऊपर होता है वो क्या, सॉरी, जो नीचे होता है वो रूट सिस्टम, और ऊपर जो होता है वो शूट सिस्टम होता है. शूट सिस्टम के फोर पार्ट्स होते हैं, फ्लावर, लीफ, फ्रूट एंड स्टेम. एंड रूट सिस्टम का सिर्फ एक ही पार्ट होता है, वो होता है रूट्स. ठीक है, तो ये प्लांट जो है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है, और सब अपना काम अपने हिसाब से, जो उनका फंक्शंस होता है उसको परफॉर्म करते हैं फूड बनाने के लिए. लीफ, अब हम ये जानेंगे कि हम प्लांट की लीफ का पार्ट कौन कौन सा खाते हैं, किस किस फॉर्म में खाते हैं. स्पिनक, पालक, वो प्लांट की लीफ का फॉर्म है, राइट, जो बहुत ही हेल्दी होती है. बच्चों आप सबको भी ज़रूर खानी चाहिए. फेन्यूग्रीक, मेथी, ये भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है जो बहुत हेल्दी है, और कैबेज. रूट्स हम कौन कौन सी खाते हैं, टर्निप, कैरेट एंड रेडिश, और भी ऐसी बहुत सारी रूट्स होती हैं, और इनको लोग एज अ वेजिटेबल भी डिश के डिश प्रिपेयर करके भी खाते हैं, या सैलेड की फॉर्म में भी इनको खाते हैं. फ्रूट्स, वाओ, फर्स्ट फ्रूट इज मैंगो, एवरी वंस फेवरेट, माय आल्सो फेवरेट, आई लव मैंगोज. समर सीजन है और मैंगोज बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो मैंगो मुझे तो बहुत पसंद है, और मुझे पता है आप सबको भी बहुत पसंद होगा मैंगो, राइट. एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी. अगर आप डेली एक एप्पल खाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ता है, बिकॉज एप्पल इज़ वेरी न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी. टोमेटो, टोमेटो इज़ वेरी हेल्दी. फ्लावर्स, अब हम फ्लावर्स के कौन से पार्ट खाते हैं. कॉलीफ्लावर जिसे हम कहते हैं गोभी, फूल गोभी जिसे कहते हैं ना, सॉरी, ब्रोकली. स्टेम, स्टेम का कौन सा पार्ट खाते हैं. पोटैटो, वाओ, पोटैटो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पोटैटो, और बच्चों आप सबको भी पोटैटो पसंद होगा, राइट. पोटैटो अच्छा लगता है ना, मम्मी को रोज बोलते हैं मम्मी आलू की सब्जी नहीं बनाई है ना. एस्पेरेगस एंड स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ओके. सीड, सीड्स हम कौन से खाते हैं. पीस, मटर, वीट, ग्रेन्स, कॉर्न. कॉर्न आपने, आप लोग कॉर्न किस फॉर्म में खाते हो आजकल, स्वीट कॉर्न्स, राइट. मक्का जिसे हम कहते हैं, भुट्टे को हम भून के भी खा सकते हैं, बॉईल करके भी खा सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है बच्चा. फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. अब हम ये जानेंगे कि फूड आइटम्स हम कौन कौन सी प्लांट्स से ऑब्टेन करते हैं. जैसे सीरियल्स, सीरियल्स कौन कौन से होते हैं, वीट, राइस, मेज एट्सेट्रा, ये सब सीरियल्स होते हैं. पल्सेस, पी, बीन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब पल्सेस होती हैं. वेजिटेबल्स, पोटैटो, अनियन एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, जैसे लेडी फिंगर. फ्रूट्स, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, पियर, और बहुत सारे फ्रूट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं. शुगर, चीनी हमें किससे मिलती है बेटा, शुगर केन से. जो शुगर केन का जूस होता है उसको निकालते हैं, और उसके बाद एक प्रोसेस के थ्रू उससे चीनी बनाई जाती है. ऑयल, मस्टर्ड, कोकोनट. बेटा मस्टर्ड ऑयल कैसे होता है, जो मस्टर्ड की क्रॉप होती है, जो सरसों जिसे हम कहते हैं, सरसों के खेत होते हैं, उसमें उनके सीड्स होते हैं, उन सीड से ऑयल सिक्रीट किया जाता है. उन सीड्स को जब हम ग्राइंड करते हैं तो उनसे ऑयल निकलता है, वो मस्टर्ड ऑयल होता है, जो खाना बनाने में यूज़ होता है, राइट. कोकोनट ऑयल, नारियल, नारियल में ऑयल भी होता है, आप लोग जानते भी हैं कोकोनट ऑयल घरों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो होता है कोकोनट ऑयल. स्पाइसेस, टर्मरिक, हल्दी, चिली, मिर्च, कार्डमम, इलायची, ये सब मसाले होते हैं. और भी ऐसे बहुत सारे मसाले होते हैं जो हमें प्लांट से अवेलेबल होते हैं. स्प्राउट्स, यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे. स्प्राउट्स क्या होते हैं, जैसे अगर हम चने,
या मूंग मोट ये सब वो है हमारे ग्रेन्स राइट, इनको अगर हम ओवरनाइट भिगो दें, ओवरनाइट का मतलब पूरी रात अगर इन्हें पानी में भिगो दें ठीक है, और सुबह वो सारा पानी ड्रेन कर दें, सारा पानी छान दें और उनको एक कपड़े में बांध के दो दिन या एक दिन बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर ना एक छोटे छोटे वाइट स्ट्रक्चर्स निकलने लग गए हैं, वो क्या होते हैं स्प्राउट्स, उन्हें क्या कहते हैं हम स्प्राउट्स, वो सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। अच्छा ये एक एक्टिविटी है, ये आप सब लोग करके भी देखना, मम्मी से बोलना मम्मी थोड़े से चने थोड़े से ही लेना, और अगर आप ज़्यादा ले लो तो खा भी लेना, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, मैं तो डेली खाती हूँ, तो आप लोग भी अगर खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़े से ज़्यादा लेना, उसको रात भर भिगोना, सुबह पानी ड्रेन करके एक हैंकी ले लेना या कपड़े में बांध देना और उसको कहीं पे भी हैंग कर देना राइट, और हैंग करने के बाद आप नेक्स्ट डे या दो दिन बाद देखेंगे तो उसमें से वाइट कलर वाइट स्ट्रक्चर्स निकलेंगे जैसे इस पिक में शो हुआ है। तो उनको आप एज अ सैलेड या कुछ भी स्पाइसी चटपटा सा बना के भी, उसके अंदर चाट मसाला डाल के भी आप उनको खा सकते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं राइट। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, अब हमें दूध किस किस एनिमल्स से मिलता है, काओ बफेलो गोट कैमल, ऐसे बहुत सारे एनिमल सॉरी ये फोर ही एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है, दूध मिलता है। मीट यील्डिंग एनिमल्स, मीट हमें किस किस एनिमल्स से मिलता है, हेन डक फिश। हनी, हनी हमें किससे मिलता है, हनी बीज से, हनी बीज कौन, मधुमक्खी। अब कैसे हमें मधुमक्खी से, मधुमक्खी तो वो एक बर्ड है और हमें कैसे वो हनी देती है राइट, तो अब ये जानते हैं कि हनी बीज से हमें कैसे हनी मिलता है। बेटा जो हनी बीज होती हैं, जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, एक फ्लावर, फ्लावर के अंदर जो नेक्टर होता है ना वो फ्लावर पे बैठती है, फ्लावर के अंदर से सारा नेक्टर निकाल लेती हैं, निकाल के जो बीहाइव होता है, ये बीहाइव है हनी बीज का छत्ता जिसे हम कहते हैं, उसमें जाके वो स्टोर करती जाती हैं, कन्वर्ट करती हैं उसे हनी में और वहाँ पे वो स्टोर करते जाती है, जो ये छोटे छोटे होल्स हैं ना इनके अंदर, तो इस तरह से हनी जो है वो उनके बीहाइव में स्टोर होता चला जाता है राइट। और एपिकल्चर क्या होता है, उस स्टोर्ड हनी को उस बीहाइव में से निकालना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपिकल्चर। रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल टू गेट हनी इज नोन एज एपिकल्चर। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, अब फूड हैबिट्स एनिमल्स की कैसी होती हैं, अलग अलग तरीके बेटा, अलग अलग फूड हैबिट्स होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग अपनी खाने की आदतें होती हैं एनर्जी गेन करने के लिए, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हैबिट्स राइट। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट ही खाते हैं, वो और कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स पे ही रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, हर्बीवोर्स। कुछ और का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं खाते हैं, मतलब वो फ्लैश नहीं खाते हैं, मीट नहीं खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स वेज चीज़ें खाते हैं, लाइक काओ गोट डियर एलिफेंट, दीज आर हर्बीवोर्स एनिमल्स। कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, जैसे लाइन टाइगर डॉग वुल्फ, ये सब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो मीट खाते हैं। ओमनीवोर्स, अभी बेटा हमने पढ़ा हर्बीवोर्स कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट ईटिंग होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं जो क्या होते हैं, फ्लैश ईटिंग होते हैं। अब आया थर्ड ओमनीवोर्स, जो बोथ प्लांट एंड फ्लैश दोनों को ही खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स। जैसे क्रो, ह्यूमंस, डॉग, स्क्विरल्स, ये दोनों ही चीज़ें खाते हैं। ह्यूमंस भी बेटा, काफ़ी लोग सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, काफ़ी लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोग वेज फूड नहीं खाते हैं, वो लोग वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, बेटा इस पिक से आप ये देख सकते हैं कि ये बच्चा, शायद हो सकता है ये एक दिन से भूखा हो या दो दिन से भूखा हो, उसे ज़मीन पर पड़ा हुआ खाना मिला जो शायद किसी ने फेंका होगा राइट, और वो उसको खा रहा है बिकॉज ही नीड्स फूड टू अपटेन एनर्जी, जिंदा रहने के लिए उसे एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत है ठीक है। तो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, बेटा इंडिया बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं, पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, इतना सफिशिएंट पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना खाना डेली खा सकें या जो भी एक्स वाई जेड ठीक है, तो वो लोग होते हैं उनके जो पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं ना, उन लोगों को खाने की
प्रॉब्लम रहती है, खाने की दिक्कत रहती है, उन लोगों को उतना खाना नहीं मिल पाता है जितना उन्हें डेली चाहिए, जितना हम लोग खाते हैं डेली। आप लोग 3 मील्स खाते हैं तो वो लोग शायद एक दिन या दो दिन में ही एक मील खा पाते होंगे या एक दिन में एक मील, राइट। सो वी शुड अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चे, हमें खाना वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज से ये ज़रूर याद रखना, आपको जितना खाना है उतना ही अपनी प्लेट में लीजिए, खाना वेस्ट नहीं करना है। और अगर पॉसिबल हो, जैसे आपके घर में खाना बच गया है, तो उस दिन आप किसी को जो भूखे हैं उनको भी आप खाना खिला सकते हैं, राइट। वो खाना फेंकने की जगह आप किसी को दे देंगे तो वो उसको अच्छे से और साफ सुथरे तरीके से खा पाएंगे। अगर आप फेंक देंगे तो वो डस्टबिन में जाता है, वो गंदा हो जाता है खाना, ठीक है। दीज आर सम डेफिनेशंस जो हमने अभी टॉपिक्स कवर किए हैं उसके बारे में, ये थोड़ी सी डेफिनेशंस है। फूड द मटेरियल और सब्सटेंस विच वी ईट। फूड क्या होता है, जो मटेरियल है, सब्सटेंस जो हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फूड। इंग्रेडिएंट्स मटेरियल्स विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जो खाना बनाने के लिए मटेरियल्स काम आते हैं, काम आते हैं, वो होते हैं इंग्रेडिएंट्स। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। कार्निवोर्स जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ओमनीवोर्स द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं वो कौन होते हैं, ओमनीवोर्स। एडिबल पार्ट्स मतलब वो प्लांट का पार्ट जो खाया जाता है उसे हम एडिबल प्लांट पार्ट कहते हैं। स्प्राउट्स अभी हमने देखा, जर्मिनेटेड सीड्स वो स्प्राउट्स होते हैं। पोल्ट्री एनिमल्स विच प्रोवाइड मीट एंड एग। दीज आर सम फिल इन द ब्लैंक्स। फूड प्रोवाइडर्स एनर्जी टू डू वर्क। वी शुड अवॉइड डैश ऑफ फूड। डैश मीन्स वी शुड अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। लायन ईट्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, हैंस इट इज अ डैश। लायन जो है वो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाता है, तो जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोर। टू एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोर्स आर ह्यूमन एंड डॉग। बी स्टोर डैश इन देयर बीहाइव। बी क्या स्टोर करती है अपने बीहाइव में, अभी बताया था मैंने, हनी, राइट। द एडिबल प्लांट पार्ट इन स्पिनच इज द लीफ। आंसर इन वन वर्ड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स बेटा अभी हमने पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं, मिल्क, चीज, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना। नेम अ फूड आइटम विच रिक्वायर्स ओनली टू इंग्रेडिएंट्स। अब देखो राइस, इसका आंसर है राइस। राइस को बनाने के लिए सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वाटर एंड राइस, और हमारे राइस प्रिपेयर हो जाते हैं, राइट। जर्मिनेटेड सीड्स वो कौन से होते हैं, स्प्राउट्स। एंड एडिबल रूट, रूट कौन सी है खाने वाली, टर्निप। एंड एडिबल स्टेम दैट इज पोटैटो। होम ऑफ हनीबीज, अभी हमने डिस्कस किया था बेटा होम ऑफ हनीबीज, हनीबीज का घर कौन सा होता है, बीहाइव। ओके, सो अब आते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन फीचर्स को जान लेते हैं थोड़े से। लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। बेटा ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोविड टाइम में, कि आप अपने घर में ही रह के और अपने कंफर्ट जोन में ही रह के घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है जिसमें आपको प्राइजेस भी मिलते हैं, एंड बैच कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। दीज आर सम ऑफ द प्राइजिंग्स, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 15, 18, 24, 36, 48, ये प्राइजिंग है। और अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं NB01, तो आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो प्राइजिंग जो है वो 10% कम हो जाती है, राइट। अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स जान लेते हैं। आइकॉनिक का क्या है बेटा, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो सब तो आपको मिलेगा ही आइकॉनिक में भी, और आइकॉनिक में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या होते हैं, पर्सनल मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाता है, लाइव डाउट सॉल्विंग, आप लाइव टीचर्स से डाउट अपने सॉल्व कर सकते हैं, वीकली रिपोर्ट्स आपकी रेडी की जाती है, आपके पेरेंट्स के संग कॉन्टैक्ट होता है, स्टडी प्लानर होता है, और बाकी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलते हैं। इसकी प्राइसिंग देखिए, 3 मंथ, 6 मंथ, 12, 15, 18, 24 एंड 36। एंड इफ यू अप्लाई माई कोड दैट इज NB01, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्राइसिंग। सो
थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। बच्चे अगर आप लाइक करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है और मेरे बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में, लाइक राइट एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much. Bye. Take care. Bye. Have a nice day. Bye.